मिल रहा है, लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है इस फिल्म के बाद, इसके बारे में सबसे पहले खुद की समझ ज़्यादा आ गई है ऑन सम लेवल, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में लोनली एक्सपीरियंस है, शुरुआत से लेकर अब तक मैं इतना बदल गई हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अभी मुझे समझ में आता है कि अच्छे के लिए बदल गई हूँ, बुरे आई गेस वो सिर्फ लाइक मेरे परिवार वाले मुझे बता पाएंगे ऑन सम लेवल, मैं सोचता हूँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है उनसे, बट आई थिंक आप अपने बारे में बहुत समझते हो अपनी पहली पिक्चर के दौरान, तो मेरी पर्सनल इंटरनल थॉट प्रोसेस बदल गया, एक्सटर्नली मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि कितना बदला है, क्योंकि जितना भी नॉर्मल सी मैं बनाए रखता हूँ उतना उतनी खुशी मुझे मिली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना काम दिखाना है और मेरी लाइफ एक चीज़ चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बदले ही ना वे कि मैं हर रोज़ सुबह से शाम काम कर रही हूँ, तो वो एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ, सो होपफुली मैं होपफुली चेंज होता रहेगा और मैं बेटर इंसान बनती रहूंगी और अंडरस्टैंडिंग आती रही हर पिक्चर के साथ। आई थिंक आई एम यू नो मैं एक्चुअली ज़्यादा बदला नहीं हूँ, थोड़ा बदलाव आया है यस, मैं थोड़ा और शांत हो गया हूँ बिकॉज और फिल्म को के ताल्लुक से यू नो कैसे प्रमोशंस किए जाते हैं, कैसे एक्टिंग की जाती है, कैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यू नो, तो उनको कैसे उनके साथ कैसे डील किया जाता है, ऑल्सो या आई डोंट थिंक हम कोई आई डोंट थिंक मैं कोई प्रेशर में हूँ ऐसा कुछ, बट बहुत खुश हूँ एंड मैं आशा सिर्फ इस बात का करता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं लाऊँ अपने आप में एंड क्योंकि काफ़ी लोग बदल जाते हैं, यू नो एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक बड़े पैमाने पर एक्सपोज कर देती है, तो आपको यू नो कहीं ना कहीं अपने आप को बरकरार रखना पड़ता है अंदर ही अंदर, वो मीज़ान जो मेरे अंदर है वो नहीं खो जाना चाहिए। फील लाइक बदलाव इज आल्सो कांस्टेंट, मीज़ान की जिंदगी में बदलाव होते जाएगा, आई फील लाइक इट्स जो बदलाव की समझ है आपको ना, जो अवेयरनेस है जो बदलाव हो रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी शुरुआत स्कूल में हुई थी जब मैंने थिएटर लिया था 17 साल की उम्र में और मैं मूवी थी और मेरे वो एक्टिंग का वो शामिल ना बनने का जस्ट मैं तैयार नहीं थी उस तो एंड मुझे उसको बहुत बहुत किस्म के किरदार निभाने हैं अपने तो वहाँ से शुरू हुआ, बट एज एज मैं जब मैंने ईडी का काम शुरू किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू किया मेरी कॉम के बाजीराव मस्तानी में, मैं बहुत अनश्योर थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो आई थिंक उस प्रोसेस ने असिस्टेंट डायरेक्टिंग के प्रोसेस ने मुझे लाइक एक सेट पे जो जो इन्वायरमेंट रहता है ना उस इन्वायरमेंट से मैं प्यार में पड़ गई, मैं मुझे सेट पे रहने से बहुत तनाव है, अगर मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ ना और कोई और शूट कर रहा है जैसे मीज़ान के गाने में वो शूट कर रहा था और मैं नहीं थी उस गाने में, बट मैं फिर भी सेट पे जाती थी, 4 दिन शूट हुआ कि मैं 3 दिन गई 4 दिन में से एंड जब भी सदर सर शूट करे तभी भी 15 वक्त के सेट पर मैं असिस्टेंट नहीं थी, बट वो जो सेट का माहौल होता है ना मैं उसके लाइक प्यार में पड़ गई एज एन एक्टर, जो मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि आप पूरे यूनिट का लाइक की मेहनत आपके कंधे पर रख आपके चेहरे पे दिखा रहे हैं, आप उनके लिए खड़े हो एट दी एंड ऑफ द डे, तो एक्टिंग में और भी इंटरेस्ट आ गया ऑन सम लेवल कि ये जो मैं सेट का एनवायरमेंट मुझे एक्टिंग की एबिलिटी देने के लिए तो उनकी मेहनत में आगे लेके जाऊँ और ऑल्सो एक बंद एक जिंदगी में 1000 जिंदगियाँ कैसे जियो, एक्टिंग के अलावा और कुछ है ही नहीं एक प्रोफेशन में, जहाँ पे तुम एक दिन कोई और बन सकते हो, एक दिन कोई और एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक दिन किसी दुनिया के दूसरे पार्ट में जाके किसी और की जिंदगी जी के उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात में सोते हो आप शार्पन बन के सोते हो, ऑब्वियसली थोड़ा एक्टिंग से बहुत लगाव है और एक ऐसी आप दुनिया में घुस जाते हो ना, एक अलग दुनिया जीने लगते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि रियलिटी क्या है और वो दुनिया क्या है, और उस दुनिया में घुसना और वापस रियलिटी में आना, उस पे काबू पाना एक्चुअली वो इमोशन पर बहुत यू नो एक आर्ट ही है, उसको एक्टिंग कहते हैं एंड यू नो व्हेन जब हम सेट पे थे एक्चुअली काफ़ी इमोशंस करने थे, जैसे आपने क्योंकि एक ऑर्डर में शूट नहीं किया जाता तो आप कभी एक रैंडम सीन शूट करते हो फिर एकदम से आपको डांस करना पड़ता है एक शॉट, फिर उसके बाद आप जाते हो कोई कॉमेडी सीन में फिर आप कर रहे हो एक फाइट सीक्वेंस का शॉट, तो कैसे वो इमोशंस के साथ खेलना, मुझे एक्चुअली कभी लगा नहीं था कि मुझे इतना लगाव हो जाएगा इस क्राइज, जिनको पता होता है कि आप में एक्चुअली क्या काबिलियत है, और संजय सर वो इंसान थे मेरी जिंदगी में
उन्होंने मुझ में ये काबिलियत देखी और कहा मुझसे कि मैं कर पाऊंगा और आई थिंक बिकॉज उस वजह से एक्चुअली आज जब मैं मेरी परफॉर्मेंस देखता हूँ मलाल में तो मुझे दिखता है कि मैं एक्चुअली मैंने क्या किया है जो मुझे भी एक्चुअली लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा. सो यस इस इंडस्ट्री से और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को अपने टैलेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और मैं दुनिया को दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर सकता. ये जो लगाव था वो लगाव है वो यू नो फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है इस वजह से यू नो आज जब मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में तो या मे बी शायद उस वजह से है बिकॉज़ एक तो मेरी फैमिली फिल्मी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बचपन से वो लाइफ देखता आ रहा हूँ मैं तो मुझे पता है कि एक्चुअली उसमें क्या होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है. तो फाइनली अब जब करने का टाइम आ गया और मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ चुका हूँ तो वो जो सारी भावनाएं हैं वो बाहर आ रही हैं और यस आई थिंक वो संजय सर हो चुके हैं और उनकी वजह से वो जो सारी फीलिंग्स हैं वो साथ में आकर एक पैमाने पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है. उस पॉइंट पे जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी हमारी बात नहीं हुई थी ना मेरी कॉम पे ना बाजीराव मस्तानी पे पर उनको सब लेवल मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है क्योंकि मैं तक मैं एक्टिंग स्कूल भी जाऊँगी. तो जब मैं वापस एक्टिंग स्कूल से आई का एडवाइस नहीं उन्होंने मुझे इट वॉज मोर के ऑब्वियसली लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ बट एक मोमेंट था मेरी माँ बता सकती मुझे कि लिपस्टिक कैसे लगाते ना मेरी माँ कभी मुझे रेड कार्पेट इवेंट पे लेके गई कि मुझे मालूम है कि मुझे तैयार कैसे होना है उन सब चीज़ों के लिए. बट संजय सर को ये नॉलेज है इंडस्ट्री में रह रह के हीरोइनों को पेश करते करते उनको ये उनमें कहीं ये टैलेंट आ गया है कि हीरोइन को कैसे पेश करते हैं. तो जब मैं बाजीराव मस्तानी के सेट पे असिस्ट कर रही थी मैं कॉस्ट्यूम संभालती थी तो दीपिका मैडम वैनिटी में थी और मुझे लहंगे अप्रूव करवाने थे मस्तानी के. तो मैं गई हूँ भारी लहंगों के साथ बोल सर लाइक अप्रूव करवाना है वेट कर रही है वो. उन्होंने बोला सर कॉस्ट्यूम का अप्रूवल मैं लिया है एक्ट्रेस बनने का तो वो टिप्स वो मुझे खुद से निकाल को ऐसे देखती रहती हूँ पूरा टाइम. सो ऑन सम लेवल वो सब मुझे खुद में बिठाना पड़ा संजय सर ने मुझे यू नो जैसे कि आपने कहा लेकिन आपकी मॉम इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू नो वो थी वो एक्टर ना से ही पर फिल्मी बैकग्राउंड से या फिर एज अ सर आपके साथ एज अ सर वो रिस्पेक्ट आई थिंक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाई है और मैं उनकी बाटी भले ही हूँ बट मैं उनसे वो रिस्पेक्ट लेने का मेरा कोई हक नहीं क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने कितना बनाया उन्होंने खुद का नाम खुद का. आपको क्या एडवाइस मिली जब पता चला कि आप फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो आपको घर से क्या एडवाइस मिली? सिर्फ एक ही चीज़ कही थी मेरे बाबा ने कि यू नो बड़ों से झुक कर बात करो और सबको इक्वली ट्रीट करो कल को तुम स्टार भी बन जाओ तो कभी इस बात का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. ऑलवेज बी ग्राउंडेड कभी अपने कल्चर और अपने रूट्स को मत भूलना अपने घर पे जो तालीम दी है और जो सिखाया गया है उसको कभी मत भूलना. सो आई थिंक वो ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल यू नो उन्होंने काफ़ी सीख दी है और वो आपको एक्चुअली जिंदगी में काफ़ी आगे ले जाती है. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे घर पे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये तालीम और ये जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया है यू नो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस एक पेरेंट से या एक बेस्ट सीख एक पेरेंट से मिल सकती है. यू नो एंट्रिंग इन टू द इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों के लिए माइंड सेट करना पड़ता है चाहे वो कुछ भी हो तो आप लोगों ने अपने माइंड को किस तरीके से संजय सर ने हमें एक चीज़ बताई थी कि अपने काम को बात करना तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे बड़ी जो मैं करना चाहती हूँ इसकी लोग मुझे मेरे काम के लिए पहचाने नॉट क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक टाइप के जिम को जाती हूँ या फिर मैं क्या ये इवेंट अटेंड करती हूँ. स्कूल में था तो बॉन्ड और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली आई थिंक और कहां जाकर बोलती हूं देखो गाइस का बना देंगे 5 जुलाई को क्योंकि जो भी आपके ज़िंदगी में मायने रखता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो वो आपकी ज़िंदगी में और भी मायने रखने लगेगा और कभी भी उस प्यार में खुद ही मना नहीं करना. बिल्कुल 5 जुलाई गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू. खुद की समझ ज़्यादा आ गई है ऑन सम लेवल क्योंकि फर्स्ट फिल्म है लोनली एक्सपीरियंस है
शुरुआत से लेके अब तक मैं इतना बदल रही हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अभी मुझे समझ में आता है कि अच्छे के लिए बदली हूँ बुरे के, आई गेस वो सिर्फ लाइक मेरे परिवार वाले मुझे बता पाएंगे ऑन सम लेवल, नाज मुझे लाइक अच्छा रिस्पॉन्स आया है उनसे, बट आई थिंक आप अपने बारे में बहुत समझते हो अपनी पहली पिक्चर के दौरान, तो मेरी पर्सनल इंटरनल थॉट प्रोसेस बदल गया है। एक्सटर्नली मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि कितना बदला है, क्योंकि जितना भी नॉर्मल सी मैं बनाए रख पाऊँ उतना उतनी खुशी मुझे मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना काम दिखाना है और मेरी लाइफ में एक चीज़ चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बदले इन अ वे कि मैं हर रोज सुबह से शाम काम कर रही हूँ, तो वो एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ। सो होपफुली मैं होपफुली चेंज होता रहेगा और मैं बेटर इंसान बनती रहूँगी और अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी हर पिक्चर के साथ। आई थिंक ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं येट, बट यस लोग हमें धीरे धीरे जानने लगे हैं, बट यू नो फिल्म अभी भी रिलीज होने को है और जिस दिन वो मेरा काम देखेंगे एक्चुअली मुझे उस दिन का इंतज़ार है। एंड एट द सेम टाइम यू नो मैं एक्चुअली ज़्यादा बदला नहीं हूँ, थोड़ा बदलाव आया है यस, मैं थोड़ा और शांत हो गया हूँ बिकॉज यू नो चीज़ों की समझ और हो चुकी है और कैसे चीज़ों के साथ डील किया जाता है वो मैंने काफ़ी समझा है, स्पेशली इंडस्ट्री और फिल्म को के ताल्लुक से यू नो कैसे प्रमोशंस किए जाते हैं, कैसे एक्टिंग की जाती है, कैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यू नो, तो उनको कैसे उनके साथ कैसे डील किया जाता है। एंड ऑल्सो या आई डोंट थिंक हम कोई आई डोंट थिंक मैं कोई प्रेशर में हूँ ऐसा कुछ, बट बहुत खुश हूँ एंड मैं आशा सिर्फ इस बात का करता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं लाऊँ अपने आप पर अपने आप में, एंड क्योंकि काफ़ी लोग बदल जाते हैं यू नो, एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक बड़े पैमाने पर एक्सपोज कर देती है, तो आपको यू नो कहीं ना कहीं अपने आप को बरकरार रखना पड़ता है अंदर ही अंदर, वो मीज़ान जो मेरे अंदर है वो नहीं खो जाना चाहिए। फील लाइक बदलाव इज आल्सो कांस्टेंट, मीज़ान की ज़िंदगी में भी बदलाव होते जाएगा ऑन सम लेवल, इट आई फील लाइक इट्स जो बदलाव की समझ है आपको ना, जो अवेयरनेस है जब बदलाव हो रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई फील वो फिर मीज़ान अवेयर है कि बदलाव हो रहा है, तो मीज़ान इज स्टिल इन टाइप ऑफ बदलाव, अगर बदलाव नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। कहाँ से मैंने फिर भी स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ, हम अभी तक स्टार्ट ही कर रहे हैं, 5 जुलाई तक हम स्टार्ट ही करते रहेंगे, बट जैसे हमने बहुत बार बोला है कि मैंने बहुत बार बोला है कि मेरी शुरुआत स्कूल में हुई थी जब मैंने थिएटर लिया था 17 साल की उम्र में, और मैं मोटी थी और मुझे वो एक्टिंग का वो शार में ना बनने का चस्का लग गया, और फिर पता लगा पतला होना पड़ा एक्टिंग करने के लिए क्योंकि हीरोइन को प्रेजेंटेबल होना पड़ता है और बॉडी शेमिंग के लिए मैं तैयार नहीं थी उस पॉइंट पे, तो एंड मुझे ऑल्सो बहुत बहुत किस्म के किरदार निभाना है अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ से शुरू हुआ। बट जब मैंने ED का काम शुरू किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू किया मेरी कॉम पे और बाजीराव मस्तानी पर, मैं बहुत अनश्योर थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो आई थिंक उस प्रोसेस ने, असिस्टेंट डायरेक्टिंग के प्रोसेस ने मुझे लाइक एक सेट पे जो इन्वायरमेंट रहता है ना, उस इन्वायरमेंट से मैं प्यार में पड़ गई। मैं मुझे सेट पे रहने से बहुत लगाव है, अगर मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ ना और कोई और शूट कर रहा है, जैसे मीज़ान के गाने में वो शूट कर रहा था और मैं नहीं थी उस गाने में, बट मैं फिर भी सेट पे जाती थी। 4 दिन शूट हुआ आई थी, मैं 3 दिन गई 4 दिन में से, एंड जब भी संजय सर शूट करे तभी भी मैं पद्मावत के सेट पे मैं असिस्टेंट नहीं थी, बट वो जो सेट का माहौल होता है ना, मैं उसके लाइक प्यार में पड़ गई। एज एन एक्टर जो मैं ये बात भी हमेशा बोलती हूँ कि आप पूरे यूनिट का लाइक की मेहनत आपके कंधे पर रख रहे हो, आपके चेहरे पे दिखा रहे हो, आप उनके लिए खड़े हो एट द एंड ऑफ द डे, तो एक्टिंग में और भी इंटरेस्ट आ गया ऑन सम लेवल कि ये जो मैं सेट का एनवायरनमेंट से इतना प्यार करती हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है इसको आगे लेके जाने की, तो और या फिर सबका हार्डवर्क शोकेस करने की, जिनकी सब ने मेहनत की है मुझे वहाँ पर खड़ा करने के लिए, मुझे एक्टिंग की एबिलिटी देने के लिए, तो उनकी मेहनत में आगे लेके जाओ, और ऑल्सो एक जिंदगी में 1000 जिंदगियां कैसे जियो, एक्टिंग के अलावा और कुछ है ही नहीं एक प्रोफेशन में, जहाँ पे तुम एक दिन कोई और बन सकते हो, एक दिन कोई और एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक दिन किसी दुनिया के दूसरे पार्ट में जाके किसी और की ज़िंदगी जी के उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात में सोते हो आप शार्मन बन के सोते हो,
ऑब्वियसली थोड़ा बंदा पागल भी हो सकता है इस प्रोसेस में, बट इस प्रोसेस से मुझे प्यार हो गया है तो यू नो सवाल आपका प्रोसेस के बारे में था और यू नो एक्टिंग के बारे में, तो मुझे यस एक्टिंग से बहुत लगाव है और एक ऐसी आप दुनिया में घुस जाते हो ना, एक अलग दुनिया जीने लगते हो आप, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि रियलिटी क्या है और वो दुनिया क्या है, और उस दुनिया में घुसना और वापस रियलिटी में आना, उस पे काबू पाना एक्चुअली वो इमोशन पर बहुत यू नो एक आर्ट ही है, उसको एक्टिंग कहते हैं। एंड यू नो व्हेन जब हम सेट पे थे एक्चुअली काफ़ी इमोशंस करने थे, जैसे आपने क्योंकि एक ऑर्डर में शूट नहीं किया जाता, तो आप कभी एक रैंडम सीन शूट करते हो, फिर एकदम से आपको डांस करना पड़ता है एक शॉट, फिर उसके बाद आप जाते हो कोई कॉमेडी सीन में, फिर आप कर रहे हो एक फाइट सीक्वेंस का शॉट, तो कैसे वो इमोशंस के साथ खेलना और उन पर काबू पाना, आई थिंक वो ही क्राफ्ट एक्टिंग है। और एंड एट द सेम टाइम मुझे एक्चुअली कभी लगा नहीं था कि मुझे इतना लगाव हो जाएगा इस क्राफ्ट और प्रोफेशन से और कभी मैं ये कर पाऊंगा। एंड यू नो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक नज़रिया होता है, एक विजन होता है, जिनको पता होता है कि आप में एक्चुअली क्या काबिलियत है, और संजय सर वो इंसान थे मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझ में ये काबिलियत देखी और कहा मुझसे कि मैं कर पाऊंगा, और आई थिंक उन पर भरोसा करके मैंने बहुत यू नो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा स्टेप रहा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, बिकॉज उस वजह से एक्चुअली आज जब मैं मेरी परफॉर्मेंस देखता हूँ मलाल में, तो मुझे दिखता है कि मैं एक्चुअली मैंने क्या किया है जो मुझे भी एक्चुअली लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। सो यस नो मलाल जिंदगी में ये एक्टिंग के बारे में यू नो बहुत खुशी हुई है एंड आगे भी होती रहेगी, बिकॉज अब एक बहुत बड़ा लगाव लग चुका है इस प्रोफेशन से, इस इंडस्ट्री से, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को अपने टैलेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और मैं दुनिया को दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो लगाव था लगाव है जी वो यू नो फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है इस वजह से सी यू नो आज जब मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में तो या मे बी शायद उस वजह से है, बिकॉज एक तो मेरी फैमिली फिल्मी बिल्कुल नहीं है। यस मेरे फादर एक्टर हैं, मेरे ग्रैंडफादर एक्टर हैं, बट फिल्मी हम लोग बिल्कुल नहीं है घर पर एक्चुअली फिल्म्स के बारे में कोई बात करता नहीं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बचपन से वो लाइफ देखता आ रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि एक्चुअली उसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है। तो फाइनली अब जब करने का टाइम आ गया और मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ चुका हूँ, तो वो जो सारी भावनाएँ हैं वो बाहर आ रही हैं, और यस आई थिंक कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट डेफिनेटली पिताजी और दादाजी को दिया जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसका जो जरिया है यू नो वो संजय सर हो चुके हैं, और उनकी वजह से वो जो सारी फीलिंग्स हैं ना वो साथ में आकर एक पैमाने पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे जब संजय सर को आपने बताया कि यू नो यू वांट टू एंटर इनटू एन एक्टिंग फील्ड, उनका रिएक्शन क्या था, वो उन्होंने आपको क्या कहा? तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने तो हमारी बात नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी। जब मैंने ठान लिया था कि मुझे एक्टिंग करना है, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है या हीरोइन बनना है टू बी मोर थिंग, कि मुझे खुद मालूम था कि मुझे कितना कितनी मेहनत डालनी पड़ेगी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। तो उस पॉइंट पे जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, हमारी बात नहीं हुई थी ना मेरी कॉम पे ना बाजीराव मस्तानी पे, पर उनको ऑन सम लेवल मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं एक्टिंग स्कूल भी जाऊँगी इसके बाद। तो जब मैं वापस एक्टिंग स्कूल से आई, का एडवाइस नहीं उन्होंने मुझे, इट वॉज मोर के ऑब्वियसली लेट योर वर्क स्पीक फॉर इट सेल्फ, बट एक मोमेंट था कि मेरे पापा मुझे या मेरी मम्मी मुझे मीज़ान के पापा और दादा की तरह एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग एक्टर नहीं है। ना मेरी माँ बता सकती है मुझे कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं, ना मेरी माँ कभी मुझे रेड कार्पेट इवेंट पे लेके गई कि मुझे मालूम है कि मुझे तैयार कैसे होना है उन सब चीज़ों के लिए, बट संजय सर को ये नॉलेज है, इंडस्ट्री में रह रह के हीरोइनों को पेश करते करते उनको ये उनमें कहीं ये टैलेंट आ गया है कि हीरोइन को कैसे पेश करते हैं। तो जब मैं बाजीराव मस्तानी के सेट पे असिस्ट कर रही थी, मैं कॉस्ट्यूम संभालती थी, तो दीपिका मैडम वैनिटी में थी और मुझे लहंगे अप्रूव करवाने थे मस्तानी के, तो मैं गई हूँ भारी लहंगों के साथ, बोलूँ सर अप्रूव करवाना है, वेट कर रही है वो। उन्होंने बोला कि लिपस्टिक नहीं लगाया, मैंने बोला कि
नहीं लगाया है लाल कलर का उन्होंने लाइक वैनिटी में. फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुमने लिपस्टिक नहीं लगाया है. मैंने बोला कि क्या सर कॉस्ट्यूम का अप्रूवल, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, लिपस्टिक कहाँ से अभी लगा के आऊँ. बट ये सब छोटी छोटी चीज़ों ने ना, और फिर मैं पकड़ रही हूँ कॉस्ट्यूम, कोई मेरे मुंह पे लिपस्टिक लगा रहा है, भाई जल्दी लगाना मेरे को कॉस्ट्यूम अप्रूव करवाना है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये छोटी छोटी चीज़ों ने जैसे मुझे अपने लाइक शरीर बॉडी के बारे में, अब जिस तरीके से एक हीरोइन अपने आप को पेश करती है, उन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक ओवरऑल बहुत सीख मिली है इस डिपार्टमेंट में. एज एन एक्टर सर ने मुझे हमेशा बोला है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद की, मैं आई थिंक मैं सेकेंड एक्टर हूँ मेरे परिवार में. मेरी दादी भी एक एक्ट्रेस थी. बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैंने खुद ठान लिया है एक्ट्रेस बनने का, तो वो टिप्स वो मुझे खुद से निकालने पड़ेंगे. इसलिए मैं एक्टिंग स्कूल गई, इसलिए मैं प्रियंका चोपड़ा को ऐसे देखती रहती हूँ पूरा टाइम. सो ऑन सम लेवल वो सब मुझे खुद में बिठाना पड़ा. बट संजय सर ने मुझे हाँ जैसे कि आपने कहा मॉम फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, मेरी मॉम फिल्म इंडस्ट्री में थी. हाँ, उनके भी मॉम हाँ, कोई फिल्म में नहीं था. सो आपसे तो ये बात तो हो गई, लेकिन संजय सर एज मतलब जब सेट पे थे तो वो एज एन अंकल थे या फिर एज अ सर? एज अ सर. एज अ सर वो रिस्पेक्ट आई थिंक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाई है, और मैं उनकी भांजी भले ही हूँ, बट मैं उनसे वो रिस्पेक्ट लेने का मेरा कोई हक नहीं है. क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने कितना बनाया है, उन्होंने खुद बनाया है और फिर मुझे ये दिया गया है. तो ऑन सम लेवल ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सर फॉर मी. बट मामा है जब हम अकेले हैं, जब हम उनके घर पे हैं, और तभी उस सिचुएशन में भी कभी कभी सर निकल जाता है. मैं उनको सबके सामने डिनर टेबल पे सर बुला लूँगी. क्योंकि जब मैंने बाजीराव मस्तानी पे असिस्ट किया था, मुझे संजय लीला भंसाली की अहमियत मालूम पड़ी कि वो इस इंडस्ट्री को क्या देते हैं अपनी पिक्चरों के साथ. तो हमेशा वो रिस्पेक्ट बरकरार रहेगा ज़िंदगी भर. आपको क्या एडवाइस मिली जब पता चला कि आप फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो आपको घर से क्या एडवाइस मिली? सिर्फ एक ही चीज़ कही थी मेरे बाबा ने कि यू नो बड़ों से झुककर बात करो और सबको इक्वली ट्रीट करो. कल को तुम स्टार भी बन जाओ तो कभी इस बात का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए तुम्हें. ऑलवेज बी ग्राउंडेड, कभी अपने कल्चर और अपने रूट्स को मत भूलना. अपने घर पे जो तालीम दी है और जो सिखाया गया है उसको कभी मत भूलना. सो आई थिंक वो ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल यू नो उन्होंने काफ़ी सीख दी है और वो आपको एक्चुअली ज़िंदगी में काफ़ी आगे ले जाती है. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे घर पे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये तालीम और ये जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया है यू नो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. सो आई थिंक या दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस एक पेरेंट से या एक बेस्ट सीख एक पेरेंट से मिल सकती है. जो आपको यू नो एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों के लिए माइंड सेट करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो. right. तो आप लोगों ने अपने माइंड को किस तरीके से संजय सर ने हमें एक चीज़ बताई थी कि अपने काम को बात करने दो. तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे बड़ी जो मैं करना चाहती हूँ, इसके लोग मुझे मेरे काम के लिए पहचाने, नॉट क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या क्योंकि मैं एक फिजिक टाइप के जिम को जाती हूँ या फिर मैं एक क्या ये इवेंट अटेंड करती हूँ या वो. मैं चाहती हूँ कि लोग जाके मेरी पिक्चर देखें. तो आई थिंक ये इंडस्ट्री से मेरे लिए यही मुझे यही अपने आप के लिए ये जगह ढूंढनी है ऑन सम लेवल. बट ऑल्सो पिक्चरों को पैसा भी कमाना पड़ता है, वरना पिक्चरें बनती नहीं है आगे. तो ये सब आई थिंक सब कुछ एक पार्ट एंड पास है, एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है. एंड होपफुली मेरी करियर ग्राफ जिंदगी में मैं वो बैलेंस ढूंढ पाऊंगी एट सम पॉइंट. आप दोनों कितना जान पाए फिल्म के शूटिंग के दौरान एक दूसरे को? और हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, स्कूल में थे हम साथ. स्कूल में थे साथ में. हां तो बॉन्ड और थोड़ा एक्स्ट्रा. ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली. आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरा रूप देखने मिला हमें एक दूसरे का. क्योंकि हमने एक दूसरे को एक काम के एनवायरनमेंट में, पहली हम स्कूल में थे साथ में, किसने सोचा था कि इवेंचुअली हम जिंदगी में काम करेंगे एक साथ. एंड एट द एंड ऑफ द डे हम जब हम हर पिक्चर एक दूसरे के साथ तो नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे मीज़ान को अपने काम के एनवायरनमेंट में पहली बार, जब हम पहली बार एक दूसरे को खुद को समझ रहे एक दूसरे के साथ मौका करने को मौका मिला. सो इट वॉज ग्रेट. Feel like I know you forever now at this point. So Malal ke bare mein kuch lastly jaate the bata dijiye aur guys jaake Malal dekhiye 5 July ko, kyunki jo bhi aapke zindagi mein maayne rakhta hai, jisse aap bahut pyar karte ho, wo aapki zindagi mein aur bhi maayne rakhne lagega. Aur kabhi bhi us pyar mein koi bhi malal rehne mat dijiye. Bilkul.
5 जुलाई गाइस अगले हफ्ते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये भव्यांशु का कोई इधर आया है.